सो है एवरीवन, मैं हूं शिवम और आपका अपने चैनल टेक्निकल वेस्ट में काफ़ी स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि ICAR 2019 का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि किस कॉलेज में कितनी सारी सीटें हैं। एग्रीकल्चर के लिए बात करें तो यहाँ पे कृषि या फिर बागवानी, बागवानी का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में हम बात करें तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर पे है। और कृषि में कुल सीटों की संख्या का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर की अगर बात करें या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, उन दोनों से रिलेटेड है। टोटल दोनों के एग्रीकल्चर मतलब कृषि में, कृषि से रिलेटेड हटा दिया गया है। सबसे पहले मेरी बात सुनेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 28 सीटें, 26 सीटें, 12 सीटें हैं, तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जो ICAR जो होता है दोस्तों केवल 15% सीटों पर ही काउंसलिंग करवाता है किसी भी कॉलेज के लिए। कहने का मतलब अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो उनमें से केवल 15 सीटें ही ICAR जो होगा वो कॉलेज के लिए प्रिपेयर करेगा, ठीक है। केवल उतनी ही सीटें केवल ICAR अपने काउंसलिंग से उतनी ही सीटें केवल भरवाएगा। बाकी सीटें आप ये सोचते होंगे बाकी सीटें कहाँ पर भरी जाएंगी, दोस्तों सबसे पहले आपको क्लियर बता दूँ, बाकी सीटें जो हैं वो ICAR नहीं भरेगी। वहाँ की जो लोकल एग्जामिन होता है, जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में एक एग्जाम होता है MPPAT करके, तो वहां के MPPAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के द्वारा वहाँ की कॉलेजों में एडमिशन होता है और वहाँ की कॉलेजों में जो बाकी सीट मैट्रिक्स है वहाँ के कॉलेजों के थ्रू ऐसे भरा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉलेजों की लिस्ट है मेरे पास, तो उनमें से हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कॉलेजों के बारे में। जैसे आनंद कृषि विश्वविद्यालय AAU गुजरात की हम बात करें तो कृषि में 28 सीटें हैं, बागवानी में कुल 9 सीटें हैं। असम कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे है AAU जोरहाट असम, इसमें 26 सीटें हैं कृषि की, और बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में 0 सीटें हैं। यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय AU जोधपुर में 12 सीटें कृषि की और हॉर्टिकल्चर की 0 हैं। कृषि विश्वविद्यालय AU कोटा में जो कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कृषि की एक भी सीटें नहीं हैं और हॉर्टिकल्चर की ओनली फॉर 4 सीटें हैं। आचार्य NG रंगा, ठीक है ना, कृषि विश्वविद्यालय NANGRAU हैदराबाद AP, इसमें जो एग्रीकल्चर की 67 सीटें हैं और हॉर्टिकल्चर की 0 सीटें हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय VU कांके रांची झारखंड, इसमें एग्रीकल्चर की 8 सीटें, हॉर्टिकल्चर की 0 है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय VAU शावर भागलपुर में 26 सीटें हैं और हॉर्टिकल्चर की 4 सीटें हैं। विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय BCKV मोहनपुर WB 15 सीटें हैं एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की 5 सीटें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में 13 प्लस 5 कितना हो गया, 18 सीटें हैं, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर की 0। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU इम्फाल मणिपुर, तो यहाँ पे टोटल 19 सीटें हैं और हॉर्टिकल्चर की 10 सीटें हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा 23 सीटें हैं कृषि की और हॉर्टिकल्चर की 0 सीटें। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है, इसमें एग्रीकल्चर की 18 सीटें, हॉर्टिकल्चर की 5 सीटें। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, इसमें 6 सीटें हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर 6 सीटें हैं एग्रीकल्चर की। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विश्वविद्यापीठ, ठीक है ना, इसमें एग्रीकल्चर की 19 सीटें हैं, हॉर्टिकल्चर की 14 सीटें हैं। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, ठीक है ना, इसमें 79 सीट जो है, जो यहाँ पे 79 सीट है दोस्तों, हो सकता है कि ये ऐसी कॉलेज हैं जिनमें 100% या 25% सीटों पर भी इतनी सारी सीटें हैं, यानी 100% नहीं, 25% सीटों पर भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के जो कॉलेज हैं मतलब ICAR के जो थ्रू हैं, 25% सीटों पर भी, 100% सीटों पर भी और 15% सीटों पर भी काउंसलिंग करवाता है। जो 100% जो सीटें होती हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी जो ICAR के एग्ज़ाम के थ्रू ही अपने में एडमिशन होती है। दो कॉलेज ऐसे हैं जो अपने एग्रीकल्चर के लिए स्वयं का पेपर लेती हैं, कहने का मतलब एक BHU हो गया और एक और है फायद दोस्तों, भागलपुर वाला फायद कॉलेज है, वो दोनों अपनी अलग से एग्जामिनेशन लेती हैं, ठीक है, अपनी कॉलेज के लिए भी और ICAR के थ्रू भी लेती हैं। तो आप लगा सकते हैं जब अपना स्वयं का पेपर लेती होंगी तो उनका पेपर के हिसाब से 100% केवल 15% ICAR के थ्रू निकाल दीजिए सीटें, बाकी सीटों पर वो अपनी एग्जाम फिर लेती होंगी एग्रीकल्चर में एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे यशवंत सिंह परमाल बागवानी, इसमें 8 सीटें केवल बागवानी की यानी हॉर्टिकल्चर की केवल 8 सीटें हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के नाम से कॉलेज प्रसिद्ध है। और BIARS हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें 32 सीटें हॉर्टिकल्चर की है। GV पंत है और इनमें 39 सीटें जो हैं ICAR 39 सीटें जो हैं एग्रीकल्चर की हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 54 सीटें हैं,
जूगागढ़ कृषि विश्वविद्यालय 16 सीटें हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय 44 सीटें हैं एग्रीकल्चर की, ठीक है ना। एग्रीकल्चर मतलब बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर में हमारे अंदाज से 15 या 16 सीटें होंगी और बाकी सीटें जो हैं बीएससी एग्रीकल्चर। केरल कृषि विश्वविद्यालय 32 सीटें हैं एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की 5 सीटें, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ। तो दोस्तों कुछ ऐसे सारे बहुत सारी कॉलेज हैं, इनका फारे का नाम लेंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम टोटल फीट की हम बात करें, ठीक है, अब हम टोटल फीट मैट्रिक्स की बात करें तो एग्रीकल्चर की जो 13/10 सीटें हैं और हॉर्टिकल्चर की 3/10 सीटें हैं। अब यहाँ पे असम कृषि विश्वविद्यालय कुछ और सीटें हैं, वानिकी में कुल फीटें, मत्स्य पालन में, ठीक है, पे टोटल फीट फॉर फॉरेस्ट्री और टोटल फीट फॉर फिशरीज, ठीक है ना, ये दोनों जो ब्रांचेज होती है इनमें भी सीट देख लेते हैं। कुछ कॉलेज हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फाइट का, आप वहाँ पर जाके अच्छे से देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी सारी सीटें हैं इन सब कॉलेजों में, इनकी भी, तो जे एन के वी में भी 4x है, मतलब 4 फीटें 5 फीटों के आसपास हैं। ज़्यादा सीटों पर ये काउंसलिंग तो करवाता नहीं है। कुछ सीटें हैं होम साइंस के लिए, टोटल फीट फॉर फेरीकल्चर के लिए, तो फेरीकल्चर के लिए भी इन कॉलेजों में कितनी सारी फीटें हैं इनको भी आप देख सकते हैं। इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में देख सकते हैं आप कितनी सारी फीटें हैं। टोटल फीट फॉर डेरा टेक्नोलॉजी में भी आप देख सकते हैं इन सारे कॉलेजों में कितनी सारी सीटें हैं। और भी कुछ बचा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड साइंस ऑब्लिक फूड टेक्नोलॉजी में भी टोटल फीट फॉर एग्री एम के टीजी एंड क्रॉप, एक अलग से कोर्स होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं कितनी सारी फीटें हैं, ठीक है। टोटल फीट बायोटेक्नोलॉजी में भी आप देख सकते हैं किस कॉलेज में कितनी सारी फीटें हैं, ठीक है। तो इस तरह कुछ सीट मैट्रिक्स। अब ऑल ओवरऑल मैंने क्या सोचा है, सुनिएगा मेरी बात को। जैसे कि 2019 का भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो अभी स्टार्ट तो हुआ नहीं है, तो ये तो 2018 का था। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूँ, 2019 में हो सकता है कुछ सीटें बढ़ाई गई हों, EWF भी आ गया, 5 सीटें बढ़ाई गई हों, या फिर उन्हीं सीटों में से उनको कुछ आरक्षण मिला हो EWS वालों को, ठीक है। तो इस तरह सीट बढ़ी भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, या फिट फिर उतना ही हो। तो उसका न्यू शेड्यूल नहीं आया है कि कितनी सीटें किस कॉलेज में हैं, लेकिन एक अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ कि इस कॉलेज में इतनी सारी, अगर 2018 की मैं बात करूँ तो इस कॉलेज में ऑल ओवरऑल इतनी सारी सीटें हैं। अगर आपको अगर अब टोटल फीट्स की बात करनी है तो टोटल फीट्स भी आप लगा सकते हैं 241, 105 इधर भी जोड़ लीजिए, लगभग 2 से 3 हज़ार के समथिंग, इतनी सारी ओनली फॉर ICAR के थ्रू आपको सीटें मिलेंगी, ठीक है। मतलब इतनी सारी फीटों पर ही ICAR केवल काम कर रहा है, ठीक है, इतनी सारी फीटों पर ही ICAR एडमिशन लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1310 लगभग 1320 के समथिंग हो गया, यहाँ पे 1620 यहाँ पे हो गया और 120 102, तो 1620 में 100 जोड़ दीजिए कितना, 1720 में 20 और 1740 में 100 जोड़ दिए, 1842 हो गया, अब 1842 में यहाँ पे फिर से 158 जोड़ दीजिए, 1842 में 50 जोड़िए, तो 1842 में 50 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1892 में 8 जोड़िए 1914 जोड़ दिए, अब यहाँ पे फिर से कुछ जोड़ लीजिए, 241 लगभग, मैं एक अंदाज़ा लगा लूँ तो लगभग कितना फीट की हम बात करें, 2100 या 2000 के समथिंग सीट्स हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों आप सोच सकते हैं स्टूडेंट पेपर कितने दिए हैं, लगभग 200,000 के समथिंग, और फीट्स कितनी है दोस्तों 2000 से 3000 के समथिंग, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों यार इतनी सारे एडमिशन प्रोसेस हैं और इतने सारे लोगों का डिमांड है, किसी के 350 नंबर, किसी के 400 नंबर, किसी के 200 नंबर, किसी के 250 नंबर, कोई EWS सर्टिफिकेट है, कोई ST/OBC का स्टूडेंट है, तो वहाँ पे भी आपको छूट मिल जाएगी। EWS वाले हैं तो उनको भी बेनिफिट 10% आरक्षण, और OBC वाले हैं तो उनको भी आरक्षण, मतलब ये सारे ST/SC वालों को भी आरक्षण, तो इन सारे चीज़ों को इनको तो आरक्षण मिलेगा, कुछ को तो किसका सीट तो रिजर्वेशन में चली जाएगी, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर टोटल फीट मैट्रिक्स की बात करूँ जनरल की, तो लगभग 1600 से 1700 के आसपास जो फीट बचती है ओनली फॉर जनरल की बचती है, तो उनमें आपको फाइट करनी है। अब मान के चलिए दोस्तों 2.5 लाख स्टूडेंटों ने पेपर दिया था,
उनमें से कितने सारे स्टूडेंट जो होंगे जनरल के होंगे, बहुत सारे, तो उनमें से जिनकी अच्छी रैंक लगी होगी केवल उन्हीं को अच्छी कॉलेज मिल पाएंगे। मेरी बात को आप बुरा मत मानिएगा जो मैं साफ साफ बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को कॉलेज अलॉट होगी, बहुत सारे स्टूडेंटों को कॉलेज अलॉट नहीं होगी। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर काउंसलिंग में आप थोड़ा ये है कि काउंसलिंग हम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, तो मैं एक बात बता दूँ, अगर बंदा कोई जीरो नंबर भी पाया है तो भी काउंसलिंग करवा सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन दोस्तों अब ये समझ गए होंगे कट ऑफ कितना जाता है, कितनी सीटें हैं। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद इस लिंक में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके सारी सीटों को कैलकुलेट करके आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी सारी सीटें हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ, और बस आप अच्छे से मेहनत कीजिए, काउंसलिंग करवाइए, हो सकता है 2 लाख कॉलेज आपको मिल जाए। अगर कम रैंक पर भी है तो काउंसलिंग दो या थर्ड सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक होगी, तो आप फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग करवाइए। अगर आपका काउंसलिंग नहीं, अगर काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं अलॉट होगी तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपका जो पैसा होगा वो वापस आ जाएगा। पिछले साल पैसा बहुत सारों का वापस नहीं आया था, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि सभी का पैसा वापस आ जाए जिनका एडमिशन नहीं हो। तो फाइनली मैं चाहता हूँ कि एडमिशन हो जाए। तो वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और आपका अगर कोई भी सवाल या जवाब हो दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ और सभी का रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।